उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे पर कृषि विधेयक बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट और भारतीय किसान यूनियन टिकेत गुट ने प्रदर्शन किया। अमरोहा के जनकपुरी रजापुर अतरासी में किसानों का धरना रहा और हाईवे जाम किया गया। उन्होंने कहा कि यह तीनों बिल किसानों के लिए काला अध्याय है। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि सरकार को इस अध्यादेश को वापस लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश का किसान जब सरकार बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती तो किसानों के द्वारा लगातार आंदोलन चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी को बचाने का काम लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसे समय में भी देश के किसानों ने किया है। चौधरी दिवाकर ने कहा कि अगर इस बिल के इतने ही फायदे हैं तो सरकार जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर इस बिल का लाभ किसानों को बताए, और अगर सरकार किसान का भला चाहती है तो एमएसपी का कानून बनाए। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। एमएसपी पिछले 40 सालों से है, परंतु मक्का का रेट, गेहूं का रेट, धान का रेट, चने का रेट, दूध का रेट, हर चीज का रेट, किसान की कोई भी चीज हो, एमएसपी पे कहीं नहीं बिक रही। यदि एमएसपी पे आज बिक रही होती तो कौन सी गारंटी थी? हमारी मांग है कि देश के किसान के लिए, देश के अन्नदाता के लिए एक एमएसपी का कानून बने। यदि कोई व्यापारी, कोई मंडी किसान के जींस को, किसान की फसल को एमएसपी से नीचे खरीदे तो उस पर कानूनी कार्रवाई करके उस पर उसको जेल भेजने का काम किया जाए। जी आज सवाल देखिए, इसको अगर ये बिल वापस नहीं होते तो क्या करेंगे? अन्नदाता वो चीज है, हम 75% हैं। सरकारें बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। यदि देश का किसान नहीं बचेगा तो निश्चित तौर से सरकार नहीं बचेगी। कल जो है केशव प्रसाद मौर्य जी अमरोहा आए थे, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक जो है किसानों का अहित यानी नुकसान नहीं हो सकता। वो शब्दों की जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज के ये तीनों काले कानून हमें बताने की जरूरत नहीं है। अन्न खाते हैं, उगाते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी जानकारी है कि ये हमें बहकाया जा रहा है। यदि वो कह रहे हैं कि हाँ किसान के हित में है, तो वो आए सामने आके कार्यशालाएं आयोजित करें और बताएं किस तरह से हमारे हित में है। यदि आज एमएसपी के होते हुए भी हमारा मक्का जिसका 1680 रुपए रेट है उसको 800 रुपए खरीदने कोई तैयार नहीं है, गेहूं का 1950 रुपए का रेट है उसको कोई आज को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसको छोड़िए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। किसान एक एक पैसे से मोहताज है और उन्होंने आनन फानन में जो अभी फसलें बोई नहीं गई उनकी एमएसपी घोषित कर दी। परंतु दोस्तों विडंबना देखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने के ऊपर आधारित फसलों पे आज तक अभी गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया, जबकि पिछले 4-3 वर्ष हो गए हैं, एक पैसा भी बीजेपी गवर्नमेंट में गन्ने पे नहीं बढ़ाया और न गन्ने का आज तक भुगतान हुआ। इन चीजों को लेके यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा माध्यम आंदोलन, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो होगा करते रहेंगे, अपने हक लेके रहेंगे। मतलब गुमराह कर रही है, हम भली भांति जानते हैं। आज ये देश जनसंख्या विस्फोट पे खड़ा है। आज इस देश को जरूरत है 2 बच्चों के कानून की। यदि देश को बचाना है, हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें 24 करोड़ जनसंख्या है, ऐसे अगर संसार में जाएं तो 50 देश भी ऐसे नहीं है जिनकी 24 करोड़ की जनसंख्या हो। सारी चीजें सीमित है, ऑक्सीजन भी सीमित है, संसाधन भी सीमित है। यदि इस देश को बचाना है, बेरोजगारों की फौज से बचाना है, जैसे पिछली सरकारों ने बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करके उनसे वोट लेकर अपना उल्लू सीधा किया है, तो इस बेरोजगारों की फौज अब इकट्ठी नहीं होने देंगे। देश बचेगा जब तक जनसंख्या कानून नहीं आएगा। हम दो, हमारे दो, सबके दो। जय हिंद, जय भारत। देखिए आज हमारा जो राष्ट्रीय आह्वान पर 3 अध्यादेश लेके जो सरकार आई है, केंद्र सरकार, उसके विरोध में हमारा आज सड़क रोको जो छोटा जाम था और पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में है ये आज का।
और तीन अध्यादेशों के लिए हम विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई मंडी में जो हमारा अनाज MSP रेट पे बिकेगा तो वो कह रहे हैं कि बाहर आप कैसे भी बेचे टैक्स नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं कानून एक हो, जो मंडी मंडी के अंदर है वही बाहर भी हो। स्टॉक लिमिट जो किसान पहले जो लाइसेंसधारी थे उन्हें स्टॉक की लिमिट थी कि भाई आपके लाइसेंस पे 500 बड़ा एक श्रेणी का लाइसेंस है इतने क्विंटल, अब इन्होंने वही लिमिट खत्म कर दी है। हम कह रहे हैं वो उस लिमिट खत्म करने से जो गरीब जनता है, जो किसान गरीब है हमारा, उसे नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा जो फसल है किसान वो अपनी फसल को सारे अनाज बेच देता है। अच्छा, आज जाम लगाए रखा था यहाँ, कितने टाइम जाम रहा? ये देखिए हमारा आज 1.5 घंटा जाम रहा है हाईवे पर। हाँ, 1.5 या 2 घंटे जाम रहा हमारा। और इसी के विरोध में ये भी, अब जब SDM और DM SP कप्तान यहाँ पर हमारे आ गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमसे विनती की कि भाई ज़्यादा सड़क पे लोग बाग बहुत, कोई मरीज है, कोई किस तरह का बीमार है तो बहुत परेशानी होती है, आप हमारी एक बात मान लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हमारे को 5-6 घंटे का प्लान था। लेकिन अच्छा, हमने अगर ये सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? देखिए सरकार अगर इसे वापस लेती है तो हम ठीक है, समर्थन करते हैं सरकार का, हम उसे ठीक है वाह वाह करेंगे उसकी, लेकिन नहीं लेती है तो हमारा ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा और ये बड़े स्तर पर होगा। ऐसा नहीं कि आज हम रोड रोक रहे हैं, हम जिला भी रोकेंगे, रोड भी रोकेंगे और जो ऊपर से जो भी हमें आदेश होंगे पूरे देश को रोकने का काम करेंगे। सब्जी फल दूध वगैरह ये भी आगे की रणनीति है, सब चीज जाम कर देंगे। अभी तो हमारा सिर्फ इसका विरोध प्रदर्शन किया है हमने, लेकिन सारी रोकने की बात होगी तो सारी चीज़ें हम नेशनलभूत कर देंगे, कुछ शहर को नहीं जाने देंगे, सारे पानी तक रोक देंगे। अमरोहा में कृषि विधायक बिल को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बता दें कि अमरोहा जनपद में झनकपुरी, रजबपुर और अतरासी मार्ग पर 3 जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के अतरासी मार्ग को किसानों ने लगभग 1 घंटा तक जाम किए रखा और किसानों की मांग है कि सरकार इस बिल को वापस दे। अमरोहा से मोहम्मद आज देश का किसान COVID-19 और के चलते बर्बादी के कगार पर है। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को न जाने उनको क्या हुआ, बचे कुचे किसान को ख़त्म करने के लिए 3 अध्यादेश जो भारत सरकार लाई है, इससे देश के किसानों में भारी आक्रोश है और देश के सारे किसान संगठन आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून वापस हो जिससे देश का अन्नदाता बचे। ये देश का अन्नदाता वो अन्नदाता है जिसने इस COVID-19 महामारी के अंदर पूरे संसार के बहुत बहुत बड़ी हस्तियां बर्बाद हो गईं। यदि भारत बचा तो उसके लिए हम यदि धन्यवाद देंगे तो देश के अन्नदाता को देंगे। यहाँ की आर्थिक GDP 3.5% जो बचाई है वो कृषि क्षेत्र से आई है। मोदी जी कहते हैं कि हमने ये किसानों के हित में किया है। यदि आपने किसानों के हित में किया है तो आप बताएं, देश के किसान को बताएं। आज यदि दोस्तों मैं बात करूं, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.